Inshallah, today we will start our lesson from the chapter number 3, the phrase. Phrase क्या चीज़ होती है आज हम इसके बारे में जानेंगे. Examine the group of words in a corner. अल्फाजों के ग्रुप को जांचिए. इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर एक क्या है, अल्फाजों का एक मजमुआ है. इट मेक सेंस, इसका माना तो होता है बट नॉट कम्प्लीट सेंस, लेकिन एक कम्प्लीट माना नहीं देता है. आप बोलेंगे इन अ कॉर्नर, तो क्या ये पूरा माना देता है? इन अ कॉर्नर माने कोने में. आप बोलेंगे कोने में, तो क्या ये पूरा माना दे रहा है? नहीं दे रहा. Such a group of words is जैसे लफ्ज़ों के मजमुआ, which makes sense, जो sense तो देते हैं, जो माना तो देते हैं, जिसका माना तो समझ में आता है, but not complete sense, लेकिन उसका पूरा माना समझ में नहीं आता है, is called a phrase, तो उसको हम phrase कहते हैं. यानी लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो माना तो देता हो लेकिन पूरा माना ना दे, तो हम उसको फ्रेज कहते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेस. आने वाले सेंटेंसेस में, आने वाले जुमलों में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों के मजमुआ इन बोल्ड जो कि मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं आर फ्रेजेस. वो क्या है? फ्रेजेस हैं. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है. तो यहाँ पे जो इन द ईस्ट आया हुआ है, ये क्या है? ये फ्रेज है. ये सेंस तो देता है, ये माना तो देता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे इन द ईस्ट, तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा. इसीलिए क्या है? फ्रेज है. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. हम्प्टी डम्प्टी एक दीवार पर बैठे. तो यहाँ पर जो ऑन अ वॉल है, तो ये क्या है? ये फ्रेज है, क्योंकि ये सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता. देयर केम अ जायंट टू माय डोर. एक भूत आया मेरे दरवाजे पर. तो यहाँ पर टू माय डोर, मेरे दरवाजे पर, ये क्या है? लफ्ज़ों का एक मजमुआ है जो कि सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे. इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. ये अजीम खूबसूरती का सूरज ग़ुरूब होना था. तो यहाँ पर जो ऑफ ग्रेट ब्यूटी है, यह लफ्ज़ों का एक मजमुआ है जो सेंस तो दे रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं दे रहा है, हम इसीलिए इसको फ्रेज कहेंगे. द टॉप्स ऑफ द माउंटेंस, पहाड़ों की चोटियाँ वर कवर्ड, ढकी हुई थी विथ स्नो, बर्फ से. तो यहाँ पे ऑफ द माउंटेंस जो है, ये लफ्ज़ों का एक मजमुआ है जो कि सेंस तो देता है लेकिन द टॉप्स ऑफ द माउंटेंस, पहाड़ों की चोटियाँ जो बर्फ से ढकी हुई हैं. तो यहाँ पे जो लफ्ज़ों का एक मजमुआ आया, ऑफ द माउंटेंस, ऑफ एक वर्ड, द एक वर्ड और माउंटेंस, ये तीन वर्ड. तो ये लफ्ज़ों का जो मजमुआ है, ये कंप्लीट सेंस तो मतलब
नहीं देता, लेकिन ये सेंस देता है। तो इस जैसे लफ्ज़ों के मजमुआ को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। शो मी हाउ टू डू इट, शो मी हाउ टू डू इट, मुझे दिखलाइए कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हाउ टू डू इट है, हाउ टू डू इट, हाउ एक वर्ड, टू एक वर्ड, डू एक वर्ड, इट एक वर्ड, यानी चार लफ्ज़ों से मिल करके जो एक मजमूआ है वो सेंस तो देता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो ऐसे हम लफ्ज़ों के मजमुओं को फ्रेज कहते हैं।